हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग ईयरली फोरकास्ट ईयर ऑफ 2020। गाइस, बाय ऑल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर असेंडेंट साइन। मेरी सारी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये सारी प्रेडिक्शंस कैलकुलेट की गई हैं और आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, आपके डायनामिक्स के साथ, ट्रांजिट के डायनामिक्स के क्या प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर जुपिटर चेंज हुए हैं, अगर सैटर्न चेंज हो रहे हैं, या अगर मार्स अपना साइन चेंज कर रहे हैं, सन साइन चेंज कर रहे हैं, मरकरी साइन चेंज कर रहे हैं, तो आप सबके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके बर्थ चार्ट के साथ ट्रांजिट के प्लैनेट्स का क्या रिलेशन बन रहा है। मेरी ये प्रेडिक्शन सिर्फ ट्रांजिट पे बेस्ड हैं। जो लोग, जो मेरे दोस्त ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके बर्थ चार्ट में और ट्रांजिट के बर्थ चार्ट के साथ क्या कैलकुलेशंस हो रही हैं प्लैनेट की, वो मुझे नहीं पता। लेकिन आपके असेंडेंस के बेस्ड पर ट्रांजिट के प्लैनेट आपके लिए कितने ज़्यादा सपोर्टिंग है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। अगर ट्रांजिट के प्लैनेट्स और आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन आपस में अच्छा बन रहा है, जब वो ट्रांजिट कर रहे हैं, अपना साइन चेंज कर रहे हैं, कोई हाउस चेंज कर रहे हैं, तो वो समय आपके लिए 100 आउट ऑफ 100 बेनिफिट वाला रहेगा। और अगर कोई प्लैनेट ट्रांजिट में नेगेटिव हाउस में है या डेब्लिकेटेड है, और आपके बर्थ चार्ट में भी वो डेब्लिकेटेड है या नेगेटिव हाउस में है, तो आपके लिए वो समय थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा। सो सबसे पहले दोस्तों, यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ प्लैनेट्स यू हैव इन योर बर्थ चार्ट। आपके बर्थ चार्ट में जब आपका जन्म हुआ इस धरती पर, तो आपके प्लैनेट्स कहाँ पर थे, आपका लगन क्या है, आपका मून साइन क्या है, आपके ऊपर कौन से प्लैनेट की महादशा चल रही है, कौन से प्लैनेट की अंतरदशा चल रही है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जुपिटर चेंज हुए हैं 2020 में, वो सेजिटेरियस साइन में ट्रांजिट करेंगे, तो आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर कहाँ है। अगर सैटर्न 24 जनवरी 2020 को अपना साइन चेंज कर रहे हैं, सेजिटेरियस से कैप्रिकॉन में जा रहे हैं, तो आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न की क्या प्लेसमेंट है और ट्रांजिट के सैटर्न के साथ उनका क्या संबंध बन रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे कि आपका असेंडेंस क्या है, आपका मून साइन क्या है, या जो ट्रांजिट में शनि देव का गोचर हो रहा है 24 जनवरी को, वो आपके लिए कितना प्रोडक्टिव रहेगा। क्या आपके ऊपर साढ़े सती है, क्या आपके ऊपर ढैया है, क्या वो साढ़े सती अगर आपके ऊपर है, आपके लिए बहुत नेगेटिव है या नहीं, या कम नेगेटिव है। तो यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी एक डीप साइंस है। सो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं ईयर 2020 की ईयरली प्रेडिक्शंस। माय ऑल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर असेंडेंस साइन। अगर आप इसको असेंडेंस साइन को माइंड में रख के सुनेंगे, तो 100 में से 85-90% से प्रेडिक्शंस आपके ऊपर अप्लाई होंगी। अगर आप मून साइन को माइंड में रख के इसको सुनेंगे, तो 60% ये प्रेडिक्शंस आपके ऊपर अप्लाई होंगी। लेट्स टॉक अबाउट लियो सेंडेंस। फॉर लियो सेंडेंस ईयर 2020, गाइज, इस साल आप अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप पॉजिटिव अप्रोच में रहेंगे, एनर्जी लेवल्स का यही रहेगा। आपके एनर्जी की वजह से आप कुछ ऐसे काम कर जाएंगे ईयर 2020 में जो आपने कभी सोचे भी ना होंगे, जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। लियो सेंडेंस, आपके लिए 2020 बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, 1 जनवरी से लेकर 30 मार्च तक, आपके सेंडेंस से 6th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करना शुरू करेंगे 24 जैन 2020 से ईयर एंड तक। आपके सेंडेंस से 5th हाउस में जुपिटर केतु के साथ कंजक्शन करके ट्रांजिट कर रहे हैं 29 मार्च तक। ये कॉम्बिनेशंस आपको बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव की ओर लेके जा रहे हैं। अगर आपके ऊपर कुछ डेब्ट्स थे, वो क्लियर होंगे, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग रहेगी, चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में रहेगी, क्योंकि आपके असेंडेंस पे जुपिटर की नवम दृष्टि पड़ रही है। 5th प्लेसमेंट यानी कि आपके असेंडेंस से 5th हाउस से जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके असेंडेंस पे है। लियो असेंडेंस, इस साल आप बहुत क्रिएटिव बनेंगे, इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करके गेम चेंजर बनेंगे, कुछ बड़ी गेम खेलेंगे, कुछ बड़ा प्लान करेंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन से अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा, ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट रहेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, इस साल एक अच्छा प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा। अगर आप जॉब करते हैं, तो सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे। पहला क्वार्टर 2020 का आपके लिए फुल ऑफ पैकेज है, अपॉर्चुनिटीज, फेम, रिवार्ड्स आपके लिए लेकर आ रहा है। जो करना चाह रहे हैं आप कर पाएंगे, आपकी नॉलेजेबिलिटी, स्किल्स के बेसिस पे आप कुछ बड़ा सोचेंगे और बड़ा करेंगे। लियो सेंडर से साल कुछ करने का है, क्योंकि आपके लिए
फॉर्चून आपके फेवर में है, आपके सेंडेंसेस सिक्स्थ हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट आपके लिए बहुत बढ़िया रिस्पांस लेकर आ रहा है। आपका बिजनेस प्रमोट होगा, अब जितना ज़्यादा आपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आपको हासिल होगा। अगर आप जॉब करते हैं उसमें आपको प्रमोशन मिल सकती है। चेंज ऑफ प्लेस के योग आपके पहले तीन महीनों में जनवरी फर्स्ट लेके 30th मार्च के बीच बने हुए हैं। अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। गाइस, सीनियर्स की अंडरस्टैंडिंग आपके साथ बहुत बढ़िया रहेगी फर्स्ट क्वार्टर में। प्लैनेट्स की पोजीशन आपके फेवर में है। पहला क्वार्टर, पहले तीन महीने 2020 के लिए के आपके सारे रास्ते, आपके सारे विजन को क्लियर करेंगे। आपकी चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगी। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, स्पाउस आपका सपोर्टिंग रहेगा। अगर आपका लव अफेयर चल रहा है तो वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको जॉब मिल सकती है। कोई नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी 16th फैब के बाद आपको नॉक करेगी, और अगर आप उस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटी को अप्लाई करते हैं तो सक्सेस स्काई विल बी योर लिमिट। आप इस समय में फर्स्ट से लेकर अर्श तक पहुंचने का दम रखते हैं। जितनी बड़ी थॉट रखेंगे, जितना बड़ा अपना माइंड सेटअप करेंगे, जितनी पॉजिटिव बड़ी अप्रोच के साथ रहेंगे, 2020 का पहला क्वार्टर आपके लिए उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। लियो सेंडर्स 2020 में हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, कुछ नए कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको रिवार्ड्स मिलेंगे, आप जो करना चाह रहे हैं आप कर पाएंगे। कोई नया पार्टनर आपको आपके बिजनेस में काफ़ी अच्छी सपोर्ट कर सकता है, आपका बैकअप स्ट्रांग होगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप काम कर पाएंगे। जो लोग अनमैरिड हैं उनकी शादी हो सकती है, एक अच्छा कंपेनियन आपको मिल सकता है, लव लाइफ आपकी स्काई हाई रहेगी, आपका स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा, लवर के साथ आपकी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट रहेंगे, सेविंग्स में ग्रोथ होगा, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी। ओवरऑल गाइज, फर्स्ट क्वार्टर 2020 का आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, फेम, रिवार्ड्स, प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहे हैं। आपकी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल में इजाफा होगा, आप जो करना चाह रहे हैं आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग होगा। आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके पहले क्वार्टर में कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आप हर तरफ से वाह वाही बटोरेंगे। आप इस साल बुलंदियों पर रहेंगे, इस साल आपको तरक्की मिलेगी, शोहरत मिलेगी, आप जो करना चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। लियो सैंडर्स विजन को बड़ा करें, अपने फादर की ब्लेसिंग्स लें। पहला क्वार्टर आपके सारे साल की सारी रास्ते खोलेगा, अपॉर्चुनिटीज, फेम, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। आप अगर सेविंग्स करना चाहते हैं आप कर पाएंगे, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग रहेगी, फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, फॉरेन में अगर आप जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिवार्डिंग है। 30th मार्च से लेकर 30th जून सेकेंड क्वार्टर 2020 का जुपिटर विल ट्रांजिट इन योर सिक्स्थ हाउस फ्रॉम योर असेंडेंस एंड क्रिएट नीच भंग राजयोग विद सैटर्न। यहाँ पर फिर से अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, रिवार्ड्स रहेगा। जो लोग फॉरेन एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए सेकंड क्वार्टर 2020 का बहुत ही ज़्यादा रिवार्डिंग है। जो लोग फॉरेन पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फॉरेन वीज़े के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए भी सेकंड क्वार्टर 2020 का बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। गाइज, आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपको 10 कदम आगे लेके जाएगा आपकी लाइफ में, जो आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सेकंड क्वार्टर आपके लिए फुल ऑफ पैकेज है। आपका स्पाउस आपके लिए सपोर्टिंग रहेगा, फैमिली लाइफ आपकी बड़ी अच्छी रहेगी, बच्चों के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया रहेगी, हेल्थ वेल्थ आपकी इंप्रूव रहेगी, आप एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करेंगे, आप फॉरेन जर्नीज पे जा सकते हैं, आप अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, हेल्थ आपकी इंप्रूव रहेगी, चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगी। गाइज, यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा बदलाव लियो सैंडर्स आपकी लाइफ में दिखता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स का यही रहेगा, लोगों से आप वाह वाही बटोरेंगे, क्योंकि आपकी कुछ ऐसी चीज़ें लोगों के सामने आएंगी जो आपने आज तक छुपा के रखी हुई हैं। ईयर 2020 आपके लिए फुल ऑफ पैकेज है, जिसमें नाम, शोहरत, एक अच्छा मुकाम, एक अच्छे सोर्स ऑफ अर्निंग, आपके सेविंग्स, हर एक तरफ से आपको राइजिंग मिलेगी। सो गाइस, थर्ड क्वार्टर 2020 का लियो सैंडर्स आपके लिए कुछ स्ट्रगल जरूर रहेगी। आपके डेब्ट्स बढ़ सकते हैं, आपके जो लेन देन है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर सैटर्न रेट्रोग्रेड हैं, बट ओवरऑल सक्सेस आपको जरूर मिलेगी आफ्टर सम स्ट्रगल और हर्डल्स। थर्ड क्वार्टर में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो किसी पे ट्रस्ट करके, किसी के वर्ड्स पे ट्रस्ट करके अपना पैसा ना कहीं इन्वेस्ट करें। ये ध्यान रख के चलें, जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ में आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। आपको थर्ड क्वार्टर में चीटिंग का सामना करना पड़ सकता है, किसी नियर डियर से आपको चीटिंग मिल सकती है, किसी को पैसा उधार ना दें। अपने फंड्स अपने पास रखें, अपने विज़न को बड़ा रख के चलें, अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग सारे प्लान करें, क्योंकि रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मिलेगा लेकिन कुछ स्ट्रगल और हर्डल्स के बाद।
अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लें, अपने मदर की खास करके थर्ड क्वार्टर में ब्लेसिंग्स लें, मदर की किसी बात को इग्नोर ना करें, मदर की ब्लेसिंग्स आपके लिए इस समय पारस मनी का काम करेंगी। लियो सेंडस आपके लिए 2020, जहां पर रिवार्ड्स हैं, प्रॉस्पेरिटी है, फेम है, फॉरेन जर्नीज है, मनी है, एक छोटी सी चीज इस ईयर में थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव है, वो है आपका रिलेशनशिप आपके किसी क्लोज फ्रेंड के साथ खराब हो सकता है, पैसे के लेन देन की वजह से आपका रिश्ता कोई बिगड़ सकता है, जिस वजह से आप थर्ड क्वार्टर में थोड़ा सा डिप्रेशन में जा सकते हैं। फोर्थ क्वार्टर 2020 का लियो सेंडस, आपकी पोजीशन आपको फिर दोबारा से वापस मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ फेम रहेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बिजनेस में ग्रोथ होगी। जो लोग ट्रेडिंग का कोई बिजनेस करते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं मेडिकल लाइन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, आईटी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, या जो लोग कोई किसी किस्म का व्हीकल सेल परचेज या प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करते हैं, उनके लिए फोर्थ क्वार्टर बहुत ही ज़्यादा रिवार्ड्स और गुड प्रॉफिट्स लेकर आ रहा है। गाइज, आपका रुका हुआ माल, आप अगर कुछ ट्रेड करते हैं, आपके पास स्टॉक है, वो क्लियर हो जाएगा, आपके फंड्स, आपकी लिक्विड मनी आपके हाथ में होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, आपके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, सारा साल आपके एक्सपेंडिचर्स आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग से काफ़ी लो रहेंगे। इस सारे साल में एक्सपेंडिचर्स का लेवल नीचे रहेगा और आपकी अर्निंग का लेवल टॉप पे रहेगा। लियो सेंडस, फोकस करें अपनी चीज़ों पर, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है आप उसको लोगों के सामने दिखाएं, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। इस साल आप वाह वाही बटोरेंगे, बुलंदियों पर रहेंगे, इस साल मान इज्जत में आपकी इजाफा होगा। लियो सेंडस, इस साल एनर्जी आपकी स्काई हाई रहेगी, आप लिमिटलेस एनर्जी रहेगी, गुस्सा आपको अंदर ही खाना होगा, आप जितना ज़्यादा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे उतनी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट हासिल करेंगे। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपको बहुत बढ़िया सक्सेस मिलेगी, आपकी इस साल रुचि म्यूज़िक में, आर्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आप जो करना चाह रहे हैं आप कर पाएंगे। जो लोग आर्टिस्ट हैं उनके लिए ईयर फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, फुल ऑफ अचीवमेंट्स है, फुल ऑफ अर्निंग है। गाइस, इस साल आप नया मुकाम हासिल करेंगे, जो आप करना चाह रहे थे बीते कुछ ईयर्स में जो नहीं कर सके, 2020 आपके सारे रास्ते खोलेगा, आप नई बुलंदियों पे पहुंचेंगे, सक्सेस आपको 100 out of 100 मिलेगी। लियो सेंडस, इस समय में आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव बनेंगे उतनी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, आपका शार्प माइंड आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने में आपको मदद करेगा, शायद कुछ ऐसे अचीवमेंट्स, आप ऐसी चीज़ें, ऐसी पोजिशंस हासिल करेंगे 2020 में जो आपने कभी सोची ना होंगी। ये साल रहेगा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें इस साल, खास करके आपके गुस्से की वजह से आपका आपके दोस्तों के साथ, आपका आपके स्पाउस के साथ कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में। यू नीड टू फोकस ऑन योर थिंग्स, आप अपने गुस्से पे बिल्कुल अंकुश लगा के रखें, क्योंकि एनर्जी लेवल इस साल लिमिटलेस है, एनर्जी स्काई हाई रहेगी। ओवरऑल गाइस, इस ईयर में अगर आप कुछ बड़ा करेंगे उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी, अपनी थॉट को बड़ा करें, अपने विजन को बड़ा करें, कामयाबी इस साल आपके कदम चूमेगी, आप नई बुलंदियों पे जाएंगे, नया फेम, नई प्रॉस्पेरिटी, नया सर्कल आपका इंतजार कर रहा है। सो गाइस, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लें, अपने बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लें, अपने आप पे विश्वास रखें, क्योंकि सबसे बड़ा सिकंदर वही होता है जो अपने आप पे विश्वास रखता है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जो आपका विश्वास है वो 2020 में आपके सारे रास्ते खोलेगा और आपको एक बहुत अच्छी हाइट तक लेके जाएगा, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग्स होगी तो। नो मोर अबाउट दिस ईयरली फॉरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrology.com एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।